हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो अभी हम आप लोगों से ये बात करेंगे कि आखिर जो सीयूईटी पीजी में क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर से मैथमेटिक्स के सेगमेंट में, वो आते कहाँ से हैं, है ना। आपके मन में होता होगा कि सिलेबस इतना बड़ा है, क्वेश्चंस वगैरह इतने सारे, मैं कहाँ मदद हुआ, आखिर ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। तो आज के सेशन में हम इसी पे बात करेंगे आपसे। चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उसके बारे में क्या आइडिया होना चाहिए हमारे पास, कि हम आराम से इस तरीके से तैयारी करें कि हम जहां से भी पढ़ रखे हैं वहीं से मोस्टली क्वेश्चन आए और एग्जामिनेशन हमारा बहुत बेहतर जाए। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स है ना, उसकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और कितने आए हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। जैसे यहाँ रियल एनालिसिस में देखोगे, 2023 में 13 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा में 13 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 9 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है, इंटीग्रल कैलकुलस में 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, वेक्टर कैलकुलस में 12 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, ओडी में 11 12, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, एंड एलपी में 3 क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एनालिसिस आपको ये आइडिया दिलवाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में किधर हमें ज्यादा फोकस करना है और किधर रिस्पेक्टिवली थोड़ा कम भी टाइम दें अगर तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो सबसे कम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से पूछे गए हैं, और अगर आप अपने पढ़ाई का मैक्सिमम टाइम अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस को ही दे देते हो फिर तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जहां मैक्सिमम मार्क्स वाले ये रियल देख लो, लीनियर देख लो, या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, या फिर ओडी देखोगे, वेक्टर कैलकुलस से इधर जहां से ज्यादा आए हुए हैं, इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत होगी, है ना। और आगे चलते हैं और भी चीजें। अब देखो अलजेब्रा में फिर क्या क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा दोनों ही अलजेब्रा में ही है। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको क्या क्या ज्यादा फोकस करना है, वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है ना, तो आपको क्या क्या फोकस करना है वो आप देखो कि आपको परमुटेशन ग्रुप के बारे में ठीक से पढ़ना है ना, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में ठीक से पढ़ना है। ठीक से पढ़ने का मतलब उसका बेसिक डेफिनेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक थ्योरम्स, ज्यादा नहीं तो कम से कम यूट्यूब लाइव में हम लोग जो चीजें करा रहे हैं उन चीजों से आपको अपडेट रहना, और टॉपिक यहीं से आप छांट लीजिए, वरना तो सिलेबस में काफी कुछ दिया हुआ है। फिर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको आना चाहिए, जो उसके बेसिक क्वेश्चन है वो आपको होने चाहिए। आइडियल में प्राइम आइडियल, मैक्सिमम आइडियल का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, और जो बहुत बेसिक ग्रुप है जैसे कि जेड है, सॉरी रिंग है, जेड है, जेडन है, इन सब में प्राइम आइडियल और मैक्सिमम आइडियल कौन है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फील्ड और क्वोशेंट फील्ड के बारे में आपको बस डेफिनेशन पता होना चाहिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। वहीं लीनियर अलजेब्रा में बेसिस डायमेंशन आपको निकालने आना चाहिए, काउंटिंग आना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस, और आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। आप मैट्रिक्स के हेल्प से निकालना जानते हो या ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से, मैटर नहीं करेगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रियल एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस है, मतलब सिंपली सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर के चैप्टर में जो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो हैं, तो थ्योरम्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ सीक्वेंस और टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब ये जो बेसिक बेसिक रिजल्ट्स हैं ना, जिनके बेसिस पे डायरेक्टली आप सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में कह सकते हो, वो सब रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, है ना। वहीं सीरीज में अगर मैं बात करूं तो कुछ सीरीज का सम जो कि बहुत ही पॉपुलर है वो आपको पता होना चाहिए, लाइक सिग्मा -1 to the power n / n, इस तरह के जो सीरीज हैं उसका समेशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। वन वेरिएबल में आप लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी के बेसिक एप्लीकेशन और कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चन आप कर लो। फिर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का जो सीरीज है इसमें जो क्वेश्चन हम लोग कराते हैं वो आपको आने चाहिए। फिर जो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दिए जाते हैं उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करो, उससे ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल में मैक्सिमम मिनिमा या लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट है, तो कुछ उस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। कॉम्प्लेक्स में जो कॉची रिमान इक्वेशन है, लाइन इंटीग्रल है, फिर गॉडसेट थ्योरम, कॉची थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला और लिबोलिस थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या फिर एक से दो लाइन का कैलकुलेशन होता है और वहां से क्वेश्चन होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। इसके बाद हम आगे आते हैं, जो इंटीग्रल कैलकुलस है आपने देखा कि ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं आ रहे, बट ठीक है, अगर आपको बेसिकली पढ़ना है तो डेफिनेटली इंटीग्रल और उसकी प्रॉपर्टी जो क्लास 11 12 से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं वो आप पढ़ लो। डबल ट्रिपल इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन कर लो, और सरफेस और वॉल्यूम के लिए कुछ क्वेश्चन डबल इंटीग्रल से और ट्रिपल इंटीग्रल से आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है। अब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप आओगे तो
जो बर्नौली इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेना आप लोग, और दोनों ट्रेजेक्टरी और कोची यूलर इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। यूट्यूब लाइव वगैरह में भी जितना कराया जाता है वो भी सफिशियंट है। जो तो टेस्ट है मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप, ठीक है। फिर वेक्टर कैलकुलस और लीनियर प्रोग्रामिंग का देखोगे तो वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल, लाप्लासियन, ग्रीन स्टॉक और गॉस थ्योरम के बारे में आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं, दो दो चार चार एग्जाम्पल आप उस पर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि टाइम अभी काफी कम बचा हुआ है। अगर फटाफट से अगर आपको करना है तो कम से कम इतना तो कर ही लेना आप लोग, है ना। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में देखें तो फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है, ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी और सिंप्लेक्स मेथड के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। तो फिर अगर इन सब चीजों को करने के लिए आपके पास कंटेंट की कमी है ना, तो आप IFS के ऐप को डाउनलोड करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐप डाउनलोड करके आपको चीजें परचेज ही करनी है, यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो कि कई सारी चीजें जो भी मैंने बताई हैं उनमें से चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलेंगी, जैसे कि प्राइम क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कई टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी आपको, टीचर्स हैंड आउट, PYQ तो सारे मिल जाएंगे, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लो, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट है या जो बहुत सारे जरूरी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अवेलेबल है, आपको कुछ भी परचेज करने की वहां पे जरूरत है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को मैंने एक रफ आइडिया, एक ब्रीफ आइडिया दिया कि किस तरह से आप प्रिसाइज वे में किन किन टॉपिक को तो कम से कम देख ही लो, दो चार क्वेश्चन कम से कम सबसे लगा लो, क्योंकि एग्जामिनेशन का काफी कम टाइम बचा है। किसी की अगर बहुत अच्छी तैयारी नहीं भी हुई है तो कम से कम इतनी चीजें वो स्टूडेंट करके जाए तो उसका एग्जाम बढ़िया चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।